बड़ी खबर मिल रही है, गोल्फ सिटी सेक्टर 75 में भीषण आग लग गई है। 3 फायर स्टेशन की गाड़ियों ने आग बुझा ली है। सोसाइटी के कमर्शियल एरिया में ये भीषण आग लग गई है। दुकानों के ऊपर लगे प्लास्टिक शेड से और ज्यादा आग भड़क रही है। 3 दुकानों में भीषण आग लग गई है। सामान जलकर राख हो गया है। नमकीन, कन्फेक्शनरी और बर्तन की दुकान वहां पर थी। शॉर्ट सर्किट से हो सकता है कि आग लगी हुई, आशंका व्यक्त की जा रही है। 1 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया है और आग पर काबू पा लिया गया है। दुकानों के अंदर रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका है। नोएडा के सेक्टर 49 क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, गोल्फ सिटी की ये तस्वीरें हैं, सेक्टर 75 का ये जो नजारा आप इस वक्त देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए आप कि कैसे आग भड़की यहाँ पर, और ये तस्वीर उस वक्त की हम आपको ये दिखा रहे हैं सबसे पहले जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर, जब यहाँ पर आग लगी। लेकिन अभी पूरी तरह से कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिरकार यहाँ पर आग लगी कैसे है। ये जो पूरा एरिया है ये कमर्शियल एरिया है जहाँ पर आग लगी है, और दुकानों के ऊपर प्लास्टिक शेड रखा हुआ था जिसकी वजह से और ज्यादा ये आग भड़क गई। ये 3 दुकानें बताई जा रही है जहां पर आग लगी है। और चूंकि तस्वीरें आप नोएडा की देख रहे थे कि अभी क्या सिचुएशन है वहां पर, हालांकि गनीमत रही कि आग पर काबू पा लिया गया है।